शायद हायर मैग्नीट्यूड 8 के ऊपर रिश्टर स्केल उतना एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक नहीं है जितना एक मोमेंटम मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट शायद वो एक टेक्निक है जिससे हम रिस्टर, हायर रिस्टर स्केल के ऊपर के भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी ले सकते। लेकिन ये भूकंप की जो तीव्रता होती है इसके ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर डैमेजेस हो रहे तो हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन है उसके बारे में भी आप बताइए। या इसके बारे में तो अपना हर देश का एक आपदा नियंत्रण मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आप जिसको बोल सकते हैं, ऐसी स्कीम्स रहती है। बट ऐसे सब स्कीम्स के बारे में जब भारत देश में कहेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसके साथ एक और भी चीज आती है कि जनरल ओरिएंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ लोगों की इस तरीके का दृष्टिकोण या उस तरीके का टेम्परामेंट है कि नहीं। बट पहले इस चीज में न जाते हुए अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो शायद मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के मूवमेंट में हमको दो फ्रंट लेने हैं, एक है जनरल और एक है फैमिली फ्रंट। फैमिली फ्रंट पे शायद मैं अभी सवाल से ही जवाब चालू कर दूं कि इस चीज को भूल जाइए, ऐसे ही सोचिए कि आप एक टावर में रहती है और गलती से आग लग गई और आपको अभी निकलना है, ऐसे में आप क्या क्या चीज घर से निकालोगे बाहर। यू मे बी इंटरेस्टेड एज अ लेडी, यू मे बी इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी, शायद आप चाहेंगे कि ज्वेलरी मेरी घर में जितनी है मैं निकाल के लेके चलूं, शायद बच्चे कंपनी है तो उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से कोई प्लानिंग होता ही नहीं, सी वी डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन, सी दैट प्रिपरेशन इज नॉट देयर इन आवर माइंड एनी टाइम। अगर इस तरीके से हम इस चीज को देखने लगेंगे